नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रही हैं एफएम न्यूज। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि हत्या या आत्महत्या का निष्कर्ष निकालना काफी मुश्किल है। उन्होंने इस मामले में और फॉरेंसिक जाँच की जरूरत बताई है। सीबीआई को रिपोर्ट सौंपे जाने पर उन्होंने कहा था कि सबूतों के आधार पर सीबीआई को रिपोर्ट सौंपी है। आपको बता दें, डॉक्टर सुधीर गुप्ता का उन 5 डॉक्टरों की टीम में शामिल थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार की थी। इधर सीबीआई की टीम एम से विसरा के सैंपल समेत बाकी साइंटिफिकली सैंपल अपने साथ ले गई। सीबीआई अब इस सैंपल की जांच बाकी दूसरे बड़ी फॉरेंसिक लैब से भी करवाएगी। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में एम्स की रिपोर्ट को लेकर मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कूपर के डॉक्टरों ने प्रोफेशनल पोस्टमार्टम किया था। जब हमसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी तो कोर्ट ने इस बार संतोष प्रकट किया था। ये रिपोर्ट सिर्फ 5-6 लोगों ने ही देखी है जिन्होंने इसकी आलोचना भी की थी बिना देखे ही। सब निहित स्वार्थ के चलते कर रहे थे। मुंबई कमिश्नर ने आगे कहा कि हमारी तो हमेशा यही स्टैंड था, हमारी जांच प्रोफेशनल थी और कूपर डॉक्टर ने भी अच्छा काम किया है। हमने अपने सभी जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। हमारा काम काफ़ी प्रोफेशनल है। एडीआर की जांच में 6 महीने लगते हैं और कोई विलंब भी नहीं था। एम्स की रिपोर्ट में दम घुटने और आत्महत्या की बात है, सीबीआई की जांच के बारे में नहीं पता था, प्रोफेशनल एजेंसी है। सुशांत मामले में सीबीआई की जांच पर हो रहे सवाल पर शिवसेना नेता संजय राउत ने निशाना साधा है। संजय ने कहा कि पहले मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट गए और जांच सीबीआई को दे दी गई। अब सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट सीआईए या फिर केजीबी के पास जाओ। संजय राउत ने कहा कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और ठाकरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।